तो युद्ध प्रभावित यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित निकालने के लिए सरकार के प्रयास समय के साथ गति पकड़ रहे हैं। इसी बीच प्रधानमंत्री मोदी ने सोनभद्र में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की बढ़ती ताकत के कारण ही अपने यूक्रेन में फंसे नागरिकों को सुरक्षित निकालने में सक्षम हो पा रहे हैं। इसी दौरान उन्होंने विपक्ष पर, खासकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि जो लोग सशस्त्र बलों के शौर्य और मेक इन इंडिया पर सवाल उठाते थे, वो देश को कभी भी मजबूत नहीं बना सकते हैं। बता दें कि यूक्रेन में फंसे भारतीयों को सुरक्षित लाने के मसले पर प्रधानमंत्री मोदी ने हाल के दिनों अपने मंत्रियों और अधिकारियों के साथ ताबड़तोड़ बैठकें की हैं। को गति देने के लिए भारत ने अपने चार मंत्रियों को भी वहां पर भेज दिया है। संकट में फंसे भारतीयों को ज्यादा तेजी से निकालने के लिए हमारी सेना वायु सेना को भी लगा दिया गया है। मैं आज देश के लोगों को भी ये विश्वास दिलाता हूं कि भारत सरकार अपने नागरिकों की सुरक्षित वापसी के लिए कोई कोर कसर बाकी नहीं छोड़ेगी। बदलते हुए समय में भारत को और ज्यादा ताकतवर बनना ही होगा। भारत तभी ताकतवर बनेगा जब दूसरे देशों पर भारत की निर्भरता कम से कम होगी। जो लोग आत्मनिर्भर भारत अभियान का मजाक उड़ाते हो, जो भारत की सेनाओं का अपमान करते हो, जो भारत के उद्यमियों की मेहनत से चल रहे मेक इन इंडिया अभियान का मखौल उड़ाते हो, वो गौर परिवारवादी लोग भारत को कभी ताकतवर नहीं बना सकते।